नमस्कार दोस्तों दोस्तों जैसा कि इस वक्त खबर आ रही है कि बूचा शहर में रशियन आर्मी ने बहुत ही बेरहमी से वहां के आम नागरिकों को मारा है। और वहां जैसा कि सुनने में आ रहा है कि वहां की लड़कियों के साथ रेप किया है, बलात्कार किया है और बहुत ही दरिंदगी के साथ उनके साथ व्यवहार किया और उनकी जेनोसाइड किया। जबकि बोला जा रहा है कि बहुत ही ज़्यादा रशियन आर्मी ने वहाँ पर जेनोसाइड किया। इस बात को दोस्तों हम मानते हैं कि रशिया ने वहाँ पे ऐसा किया है जिसका विरोध यूरोपियन यूनियन और यूरोप के बहुत से देश कर रहे हैं, जैसा कि फ्रांस और भी देश उसके विरोध में खड़े हो रहे हैं और रशिया पे और फ्रेश सैंक्शंस और भी सैंक्शंस डालने के लिए और भी सैंक्शंस इम्पोज करने के लिए प्रोत्साहित कर रहे हैं। जैसा कि दोस्तों मैं आपको बता सकता हूं कि 1971 में जिस तरीके से बांग्लादेश में बांग्लादेशी बंगालियों के साथ रेप किया गया था, उसके साथ किस तरीके से व्यवहार किया गया था पाकिस्तानी सेना के द्वारा लाखों बंगाली औरतों के साथ रेप किया गया था, बलात्कार किया गया था और उनकी बहुत ही ज़्यादा किलिंग की गई थी पाकिस्तानी सेना द्वारा। लेकिन उस समय ये यूरोपियन यूनियन, ये फ्रांस, ये सभी ब्रिटेन और ये अमेरिका कहाँ था, ये सवाल आज मैं पूछना चाहता हूँ कि आखिर यूरोप को और अमेरिका को और ये यूरोप के देश और ये अमेरिका के देश को सिर्फ अपने दुख दर्द ही क्यों दिखाई देते हैं और दूसरे के दुख दर्द क्यों नहीं दिखाई देते हैं, आखिर ये बताएं। आज जब ये इनके ऊपर बीत रहा है तो ये बताना चाह रहे हैं कि मेरे साथ ये घटना हुआ। आखिर एशिया में जो इतनी बड़ी घटना हुई, बांग्लादेश के साथ इतनी बड़ी जो घटना हुई, उसके साथ पूरी तरीके से सपोर्ट में अमेरिका खड़ा था और ये यूरोपियन यूनियन जो आज दुहाई दे रहे हैं, आज ये यूरोपियन यूनियन जो बोल रहे हैं कि यूक्रेन के साथ ऐसा व्यवहार हो रहा है, आखिर ये यूरोपियन यूनियन और ये पूरा यूरोप, ब्रिटेन जितने भी हैं, ये सब कहाँ गए थे? ये सब मानवाधिकार वाले कहाँ गए थे? ये सब मानवाधिकार के संरक्षण करने वाले कहाँ गए थे? ये जवाब दें। आज भारत ये जवाब मांगना चाहता है कि आखिर वो लोग कहाँ हैं जो बांग्लादेश के साथ घटित हुआ था, जिसके कारण बहुत सारे बांग्लादेशी भारत में माइग्रेट किए थे। आज भी बहुत से बांग्लादेशी भारत में हैं और आज भी बांग्लादेश उन सब चीज़ों से उबर नहीं पाया है। किस तरीके से बांग्लादेश के साथ क्रूरता की गई थी उस वक्त अमेरिका के द्वारा और अमेरिका का इसमें पूरा सहयोग था। इसमें सिर्फ भारत ही था जो बांग्लादेश को बचाया और बांग्लादेश की सहायता की, और उसमें भारत ही एक ऐसा देश था और रशिया ने जो भारत की मदद की थी और भारत ही बांग्लादेश को लिबरेट किया था। भारत ही बांग्लादेश को उस मुश्किल परिस्थितियों में बांग्लादेश को आज़ादी दिलवाई थी। आखिर ये सब अमेरिका वाले कहाँ थे उस वक्त, ये जवाब मैं अमेरिका वालों से पूछना चाहता हूँ और यूरोपियन यूनियंस जितने हैं, यूरोपियन यूनियन और यूरोपियन यूनियंस की जितनी भी कंट्री हैं और जितने ये मानवाधिकार वाले हैं, उनसे मैं पूछना चाहता हूँ जो बांग्लादेश के साथ हुआ, जितनी क्रूरता बांग्लादेश के साथ हुई, न जाने कितने लाखों लाख लोगों का घर उजाड़ दिया गया था उस वक्त पाकिस्तानी आर्मी द्वारा, कितने नौजवान लड़कियों के साथ पाकिस्तानी आर्मी द्वारा क्रूरता की गई थी, रेप्स किए गए थे उनके साथ, कितनी बेरहमी से उनको रेप्स किए गए थे और उनको बेरहमी से मारा गया था पाकिस्तानी आर्मी द्वारा। आखिर ये अमेरिका उस पर क्यों टिप्पणी नहीं किया था उस वक्त? आखिर
इनका दुख दुख दिखाई देता है और किसी का दुख दुख नहीं होता है। ये सिर्फ स्वार्थी लोग हैं, अपना स्वार्थ देखते हैं, अपना इकोनॉमिक स्वार्थ देखते हैं, इकोनॉमिक इंटरेस्ट इनका जहाँ भी हो उस जगह पर ये, चाहे क्रूरता हो रही हो चाहे कुछ भी हो रही हो, उसका ये सपोर्ट करने चले जाते हैं। और इसके साथ साथ पूरे यूरोपियन यूनियन जितने भी लोग हैं और जितने भी यूरोपियन यूनियन कंट्रीज़ है अमेरिका के साथ साथ चलती है, और ये नाटो, ये जितने भी नाटो देश हैं जो आज रोना रो रहे हैं कि उस तरीके से मास केयर किया जा रहा है यूक्रेन में, जबकि ये सभी चीज़ 1970 में बांग्लादेश में हुआ था, उस वक्त ये लोग कहाँ थे, ये जवाब दें, ये जवाब मैं चाहता हूँ दोस्तों, कमेंट में बताइएगा। धन्यवाद दोस्तों।